हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ श्वेता और आज मैं आपके लिए मसाला डोसा बाइट्स की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है, बहुत ही इजी है, बहुत ही टेस्टी भी है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने लिया है ऑयल, उसमें ऐड करेंगे मस्टर्ड सीड्स, करी लीव्स, ये हम पहले फिलिंग हम रेडी कर रहे हैं। तो फिर इसमें ऐड करेंगे बॉइल्ड पोटैटोस, अब इसमें जाएगा सॉल्ट, टर्मरिक पाउडर, थोड़ा सा सॉल्ट और ऐड करूंगी मैं। फिर इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे। इसमें थोड़ा सा ग्रीन चिली ऐड किया है मैंने चॉप्ड। अच्छे से मिक्स करना है और इसे हमें 10 मिनट्स के लिए इसे पकने देना है ताकि अच्छे से मसाला अच्छे से मिक्स हो जाए और आलू भी थोड़ा अच्छे से पक जाए। तो ये देखिए फिलिंग बनकर रेडी है, अच्छे से इसे मैश कर दिया है मैंने। अब इसे हम ठंडा होने के लिए एक साइड में रख देंगे। फिर इसके छोटे छोटे बॉल्स हमें रेडी कर लेने हैं। तो ये मैंने बॉल्स रेडी कर लिए हैं बिल्कुल छोटे। यहाँ पे मैं रेड राइस डोसा बैटर यूज़ कर रही हूँ, इसकी रेसिपी मैंने ऑलरेडी डाली हुई है। इसको हम ग्रीस करेंगे अप्पे पैन को। अब इसमें हमें थोड़ा थोड़ा बैटर डाल देना है, पूरा नहीं भरना, पहले थोड़ा थोड़ा हम बैटर इसमें डाल देंगे, सभी कैविटीज़ को भर देंगे। फिर जो हमने बॉल्स बनाए हैं हम उसको इस पे रख देंगे। इसके बाद हमें जो बैटर है हमें फिर से थोड़ा थोड़ा इस पे डाल देना है, इसको कवर कर देना है। अब इसे कवर करके हम इसको अच्छे से ढक कर लो फ्लेम पे इसे पकने देंगे और इसको ऐसे फ्लिप करके दोनों तरफ से हमें लो फ्लेम पर पकाना है, हाई फ्लेम पे ये जल जाएगा। इसको कवर कर दिया था और दोनों तरफ से इसको पकने देंगे, एक बार और फ्लिप कर देना है, थोड़ा सा क्रिस्प हो जाए। बस ये हमारा मसाला डोसा बाइट्स बनकर रेडी है। इसे मैंने सर्व किया है कोकोनट चटनी के साथ, आप चाहो तो सांभर के साथ भी इसे खा सकते हो। बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी सी है। कभी कुछ डिफरेंट सा बनाने का मन हो तो आप इसे ट्राई कर सकते हो, आप इसे गेस्ट को भी सर्व कर सकते हो। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही हेल्दी है। आप इसे ज़रूर से ट्राई करना, कैसी लगी रेसिपी कमेंट करके बताना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।